वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल रियल ब्लॉगर्स। तो आज के इस नए वीडियो सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं, इधर है ज्ञानपुर रोड, मतलब कि अपना प्यारा गोपीगंज, जो ज्ञानपुर रोड के नाम से फेमस है। ये स्टेशन काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर लगता है कुछ ही दूरी पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि माँ दुर्गा का भव्य पंडाल। चलिए वहीं पर चलते हैं, आप लोगों को पूरा डिनोट करेंगे वहाँ पर दिखाने। और इस समय बज रहे हैं रात्रि के नहीं, दिन के 16:05। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेशन। तो चलिए अब चलते हैं माता के भव्य पंडाल में। आए हुए श्रद्धालु इस पर यहाँ पर उतरते हैं, सॉरी, और आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगा। हालांकि कोई नहीं, मैं आप लोगों को फिर भी आप लोगों को यहाँ का पूरा टूर कराऊंगा। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो देख लीजिए यहाँ सामने से आ रही हैं कुछ लोग, चलिए इनसे मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? आप लोग क्या करने आए हो यहाँ पर? ये प्रभु ऐसे ऐसे लोग मिल जाते, क्या ही बताए। कोई नहीं, चलिए आगे जा रहे थे बड़ा वाला एकदम दुर्गा पूजा देखने, लेकिन बगल में ही देख रहा हूँ इधर रेलवे स्टेशन के पास एक दुर्गा पूजा लगा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये श्री दुर्गा पूजन समारोह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से है। आप सभी ग्रामवासियों एवं भक्तगणों के हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो ये भी दुर्गा माँ की जो भव्य बनावट है आप लोग देख सकते हो यहाँ की। हालांकि टारगेट है वहाँ पर चलते हैं। हालांकि जय माता दी यहाँ पर अंदर है। हालांकि तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये है गोपीगंज में एक ऐसा स्थान जहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम किया जाता है। हालांकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरा जो पंडाल की बनावट है इस तरह से है, और यहाँ पर जस्ट बगल में दुकान उकान भी है। ठीक है, और जब नवरात्रि आता है तो तुरंत ही तैयार किया जाता है। ये गोपीगंज का बहुत ही बड़ा रामलीला मंच है। ठीक है, यहाँ पर होता है रामलीला का कार्यक्रम और काफी संख्या में भीड़ लगती है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग बैनर भी लगाए, श्री रामलीला मंडल मंदिर बाबा कबूतरनाथ। कबूतरनाथ का जस्ट बगल में मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर जो सामने आप पेड़ देख रहे हो, ठीक है, ये पेड़ ही है जो कबूतरनाथ बाबा के नाम से फेमस है। ठीक है, और ये रास्ता इधर जाती है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, इधर से जाएगा ये ज्ञानपुर की तरफ। ठीक है, ये रोड जाएगी जीपी रोड में भी मिलाती है ये रोड, और ये काफी बढ़िया रोड है। ठीक है, आप लोग इस तरह से जा सकते हो, और उधर जब रीच रोड मिलती है तो प्रयागराज एंड बनारस को जोड़ती है। तो यदि आप लोग इधर से जा रहे हो तो ये रामलीला का कार्यक्रम नाइट में देख सकते हो। हालांकि नवरात्रि भर चलता है, कल हो जाएगा विजयदशमी, आज अंतिम दिन है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, इधर इधर से जो रोड आई है ये लेकर जाती है आप लोगों को ज्ञानपुर स्टेशन, ज्ञानपुर रोड स्टेशन की तरफ। ठीक है, तो आप लोग वहां पर भी जाकर के विजिट कर सकते हो। हालांकि आज
जो मेरा वीडियो बनाने का पूरा पर्पज है मोटो है माता रानी का वीडियो दिखाना और माता रानी के बारे में ही पूरा डिनोट करना। तो चलिए आगे जितना भी वीडियो में ब्लॉग में बने रहिएगा, जितना भी चीज होता है पूरा शेयर करते हैं। ये रहा हमारा जोगोफीगंज मार्केट है इस तरह से है। तो चलिए पूरा मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं फिर से माता रानी के इस पावन मंदिर पर। आप लोगों को बताना चाहूंगा, देख सकते हो ये है काफी भव्य मंदिर जिसकी हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दोस्तों। यही वो मंदिर है और यहीं पर बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आज हम लोग भी यहाँ पर आए तो हम लोगों का भी सौभाग्य बना कि गोपीगंज में आप लोगों को दिखाए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये है गोपीगंज का मेला। तो इसमें जोर शोर से एकदम तैयारियां चालू हो चुकी है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ पर काफी जैसे पेठा पूड़ी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बच्चों के लिए कार, वाह भाई तो बढ़िया कार है। और आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है भाई, नाव है। और इधर बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए काफ़ी भव्य बना हुआ है आप सब देख सकते हो। और इधर खाने पीने की पूरी सामग्री भी आप लोगों को मिलेगी देखने को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो बच्चे काफ़ी इन्जॉयमेंट कर रहे हैं यार। और यहाँ पर आने के बाद बचपन का दिन याद आ जाता है, सच में बता रहा हूँ। तो आप लोगों को दिखाएंगे इधर भाई राइफल बंदूक देख सकते हो। यहाँ पर बंदूक हर माल 100 रुपया, 100 रुपया हमारे एक माल है। और यहाँ पर कूदने वाला है ट्रेन भाई, हम लोग ट्रेन से आए ना। हर माल 100 रुपये में आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर गुड़िया गुड्डी सब चीज़ें 100-100 रुपये का, ठीक है। और ये बच्चों का कूदने वाला। और जस्ट देख सकते हो यहाँ पर जो माता रानी का मंदिर है जस्ट इसके साइड में ही है, ठीक है। आप यदि आते हो यहाँ पर घूमने के लिए तो आप साइड में ही देख पाओगे, ठीक है। माता रानी के मंदिर के जस्ट साइड में ही है। तो दोस्तों इधर दिखाना चाहेंगे आप लोगों को मात्र 99 रुपये में घड़ी। और यहाँ पर सामान बहुत सारी चीज़ें मिल रही है जो आप लोग यहाँ पर आने के बाद एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। और आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर जो झूला लगा हुआ है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भाई साहब, सच में बता रहा हूँ। ये देखो बड़ा वाला झूला, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन है। और इससे भी बड़ा जो झूला लगा हुआ है और इसमें अभी कम क्राउड है। आप लोगों को बता दें यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि भाई पैर भी रखने की वहाँ पर जगह नहीं बचता है, ठीक है। सो फाइनली आप लोगों को बताना चाहूँगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर काफ़ी ऊपर तक है झूला, देख सकते हो आप लोग जा रहा है इसमें, चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। हाँ ये रहा माता रानी का प्रत्यंग पंडाल। चला आगे बढ़ा दे आगे दोस्तों, प्रसाद मिल चुका है। आप चलते हैं लोग, चलो निकल जाएगा आराम से, आराम से चलो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से।
आ रही ट्रकिया और का भी दिक्कत नहीं। हालांकि बहुत बड़ा टोल प्लाजा है दोस्तों, ये मेरा लोकेशन है बढ़िया वाला, उधर है सीता रसोई जो कि बहुत चमक रही है। इधर है सीता रसोई, ये है मेरा घर, लाला नगर है मेरा घर। आज मैं आ चुका हूँ लाला नगर टोल टैक्स, हम लोग आ चुके हैं लाला नगर टोल प्लाजा। चलिए डाक चलते हैं, फाइनली कोई नहीं, इतना हम लोगों को चलता रहता है।